सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नो रोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी J6 2018 वेरिएंट के बारे में। तो कल तीन नए डिवाइसेस के लीक होकर सामने आई, जो कि सैमसंग का ही था, सैमसंग J3 2018 वेरिएंट, सैमसंग J6 2018 और सैमसंग J8 2018 वेरिएंट। तो मैंने J6 के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने J3 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक वीडियो आएगा J8 2018 के वेरिएंट के बारे में, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग J6 2018 वेरिएंट के बारे में। जहाँ तक इस जो गीक बेंच में जो लीक के सामने ही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है, इसमें आपको एग्जीनोस का 7870 चिपसेट ही देखने को मिलेगा, जो कि सैमसंग 2 साल पहले ही लॉन्च किया है। आपको J7 प्राइम में भी वही चिपसेट देखने को मिलता है और J7 प्रो में भी आपको वही चिपसेट देखने को मिलता है। 2 साल से लगातार सैमसंग यही चिपसेट यूज़ कर रहा है। पता नहीं ये चिपसेट को क्यों बार बार यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि अभी नया चिपसेट आ गया है सैमसंग का 7872 चिपसेट, जो कि काफ़ी अच्छा खासा चिपसेट है। देखते हैं कि ये चिपसेट आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि आपको सैमसंग J6 2018 के वेरिएंट में यही चिपसेट देखने को मिलेगा। अभी तक इसमें आपको 2 GB का ही रैम देखने को मिलेगा, मतलब ये बजट डिवाइस होगा, 2 GB का रैम मिलेगा और एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर ये रन कर रहा है। जहाँ तक J3 जो 2018 का वेरिएंट जो लीक होकर आया था उसमें बताया गया था कि आपको एक्जीनोस का 7885 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि हायर चिपसेट होने वाला है, जो चिपसेट आपको सैमसंग के A8 और A8 प्लस में भी देखने को मिलता है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आ रही है कि कुछ वेबसाइट कह रही है कि सैमसंग के जे सीरीज में आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ में डुअल कैमरास भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, आजकल तो ट्रेंड आप लोगों को पता है कि इन्फिनिटी डिस्प्ले का और डुअल कैमरास का आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो जहाँ तक बड़े बड़े वेबसाइट कह रहे हैं कि जो J3 J6 और J4 आएगा उसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो डुअल कैमरा वाला एक भी जे सीरीज का फ़ोन अभी तक इंडिया में नहीं आया है। J7 Plus 2017 में लॉन्च किया था लेकिन उसे इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है। पता नहीं क्यों नहीं किया, उसके बारे में कोई ऑफिशियल डिटेल भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हमें इस बार सैमसंग के से हमें डुअल कैमरा का फ़ोन बजट डिवाइसेस में भी आपको देखने को मिलेगी। मैं बता दूं कि सैमसंग इस बार जे सीरीज में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। आपको तो चैनल में इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, लेकिन अगर अभी तक आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का जानकारी पहुँच जाए और वो लाल वाला जो बटन है उसे क्लिक करके ही जाइएगा। अभी मैं बता दूं कि इसके बारे में ज़्यादा अभी जानकारी निकल के सामने नहीं है। बताया गया कि इसमें आपको एक्जीनोस का 7870 चिपसेट देखने को मिलेगा, 2 GB की रैम मिलेगी और एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर ये रन कर रहा है। अभी तक लीक आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये फ़ोन बहुत जल्द लॉन्च होगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।